मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको कैसा लगा? अजीब सा टेस्ट है। नहीं अच्छा है। अच्छा है तो भाई मैंने रिसेंटली लाहौर में पान बर्गर की ये वीडियो देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना कराची में भी इसे ट्राई करना चाहिए। और ऑनेस्टली रिव्यूज आप इस वीडियो में देख लेंगे। तो मैंने सबसे पहले बन खरीदे और उसके बाद मैं पहुंच गई पान दान। तो चलो चले पान बर्गर बनाएंगे। बर्गर के बन लेकर आ गई हूँ। अभी आपको जो है ना पान बर्गर बनाना है बेसिकली। मीठा पान चाहिए और पान के अंदर आपकी जो भी वैरायटीज है ना, मतलब पान जैसे बनता है फुल हैवी किस्म का पान वैसा, बस छालियां नहीं डालना क्योंकि छालियां मुझे पसंद नहीं है। सिंपल नहीं, फ्लेवर कुछ अच्छा सा बनाए ताकि पता चले कि भाई बर्गर के अंदर पान कैसा लगता है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे ना पता चले कि भाई कैसा है, कहीं मुँह से बाहर ना आ जाए। मक्खियाँ बहुत है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है? ये ब्लूबेरी सिरप। ब्लूबेरी सिरप भैया, शायद भाई मक्खी मक्खी भगानी है आपने, मक्खी भगाने वाला काम आपका है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ गया अभी। अच्छा इसके अंदर ये सिल्वर सिल्वर क्या है? ये वर्क होता है, चांदी का वर्क है। असली चांदी होती है? असली बिल्कुल ओरिजिनल। तो गोल्ड का भी रखो ना। गोल्ड भी रखते हैं अगर हमने नहीं रखा हो। पान आ गया, पत्ता आ गया, ये आ गया गुलकन। गुलकन ये क्या डाला आपने? खोपरा। ये खोपरा है, स्पेशल खोपरा हमारी दुकान। खोपरा भी आ गया भाई, फुल हैवी किस्म का ये पान बनने वाला है। ये आ गई अनमोल। अनमोल लाल अनमोल जिसे बोलते हैं। अनमोल है ये? बहुत अनमोल। क्या चीज होती है इसके अंदर? ये लाल छालिया होती है। अच्छा ये आपने इसको किनार पे रखा नहीं, गिर जाएगी बर्गर बन करेंगे। इसको ऊपर ही रखो, ऊपर के अंदर रखो। हम आपको बर्गर बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये क्या है? ब्लूबेरी फ्लेवर। ब्लूबेरी फ्लेवर। और अब ये क्या आ गया? ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ गया। अरे फ्लेवर क्या है? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सारे फ्लेवर आप मिक्स कर रहे हैं। ये कौन सा कॉकटेल बर्गर हो गया? ये मिक्स बर्गर है। नहीं कॉकटेल हुआ ना फिर ये तो। कॉकटेल बोल रहे हैं। ये क्या डाला आपने अभी? ये लजीज है। लजीज, बहुत लजीज, बहुत लजीज, अनमोल लजीज। क्या आपने नाम रखे हुए? और ये क्या है? सिल्वर गोली। सिल्वर गोली भाई ये देखें कितना लोडेड और हैवी किस्म का कॉकटेल पान। ये भी हमने अभी अभी नाम रखा है इस पान का, अभी अभी रखा है। और ये क्या है? कैरामल सॉस है। ओए होए क्या होने वाला है ये समझ नहीं आ रहा। बहुत कुछ होने वाला है। ढूंढ रहे हो क्या डाला? मैं क्या डालूं अभी? सब डाल दिया इनकी शॉप में जो जो है ना वो सब ये डाल रहे थे। सब नहीं डाल रहे। मिक्स फ्लेवर है, तीन फ्लेवर होंगे इसमें। ये कौन सा फ्लेवर है? आ गया कुल्फा। कुल्फा फ्लेवर। ओए होए होए नहीं नहीं देखिए पान है, सिर्फ नीचे बन है। मजा आ जाएगा। आपका बर्गर तैयार हो गया। बर्गर रेडी हो चुका है हमारा। ये आपका बर्गर रेडी हो गया। बर्गर पान हमारा रेडी हो चुका है। ये देखो कैसा है ये बर्गर पान। तो भाई ये जो लाहौरी वाला ट्रेंड निकाला है ना, अब हम कराची में ये ट्रेंड निकालने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं। तो ये भाई कॉकटेल पान है और बहुत मक्खियां चिपक रही है इसके ऊपर, तो मैं भी आपको बताती हूँ खा के ये कैसा है। रिस्क ले रही हूँ मैं अपने अपने साथ। पान में वैसे खाती ना, अभी छाले डाली इसमें? नहीं डाली ना छालिया, बस छालिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पान में। तो इसको खा के बताते कैसा है। लाहौरियों बहुत बहुत ज्यादा तुम लोग जो है अजीब अजीब चीजें निकालते हो और हमें ट्राई करना पड़ता है। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा तो खाए तो अंदर तो उतरने दो अभी। अच्छा देखो बुरा नहीं है। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, सच में बुरा नहीं है, वाकई में बुरा नहीं है। मतलब ऐसा है कि बन है, ऊपर बन का जो अपना एक फ्लेवर होता है वो है और अंदर पान है, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा है। मैं आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आओ एक बार यहाँ पर आओ, ये आपको बना के देंगे। ठीक है आप बना के देंगे? मैंने इसको अप्रूव किया, वाकई में टेस्ट अच्छा है। देंगे बना के, ठीक है ये बना कर देंगे आपको ये पान बर्गर। और जो है मुझे अच्छा लगा। अभी मैं जो मेरे साथ लोग आए हुए ना उनको मैं खिलाकर रिव्यू लेती हूँ कि कैसा है। ठीक है आओ। कैसा है? अजीब सा टेस्ट है लेकिन सही है, खाने लायक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, खाने लायक है। मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। इन्होंने सॉसेस बहुत अच्छे डाले हैं तो पान बड़ा अच्छा बनाया है। और ना के अंदर कैसा लग रहा है ये बर्गर? अच्छी क्वालिटी का है तो अच्छा लग रहा है। फ्रेश बर्गर है, टेस्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मतलब बुरा नहीं है। कोई अलग तरह की मिठाई लग रही है। हाँ मतलब बर्गर पान बहुत अलग ही हो गया। यहाँ पर मैं कस्टमर से भी रिव्यू लेती हूँ। आप दोगे रिव्यू? नहीं दोगे? आप देंगे रिव्यू? मैंने पान बर्गर बनवाया है, देंगे आप रिव्यू? अच्छा अभी आपको ये पान बर्गर हमने बनवाया है, आपको ये खाना है और उसका रिव्यू देना है और सही बताना है कैसा है।
और आप पान खाते भी हैं? आप पान खाते भी हैं भाई? रैंडमली हमने यहाँ पर कस्टमर आए थे बाय करने के लिए, उनसे जो है रिव्यू ले रहे हैं। हाँ हाँ खाएं, मीठा पान है ये। बहुत अच्छा है। कैसा? ऐसा ही बताया? नहीं, अच्छा है। अच्छा है? वैसे तो आप पान खाते रहते ना, तो आपको कैसा लगता है? मैं सादा ये मीठा ही पान खाता हूँ। मीठा ही पान खाते? तो आप बताएं, मतलब आपको यूनिक लग रहा है, क्या लग रहा है? ये नई चीज है। हाँ, ये नई चीज है, अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है अभी। नहीं, अच्छा है। अच्छा है, मतलब अलग हो गया। देखिए भाई, अप्रूव कर दिया, कस्टमर ने भी अप्रूव कर दिया, तो अगर चाहिए ना, मैं बोलूँ टेस्ट अच्छा, यहाँ पर आओ और पान बर्गर बनवाओ और खाओ। लाहौरी अच्छी चीज़ निकाली है तुम लोगों ने, बुरी नहीं है। अगर बुरा होता तो मैं कहती। खाए खाए ऐसा बर्गर खाया है कुछ? दो सादे हैं और एक मीठा है। अब तो हो गए 110। सही बताएं? 110। मतलब कैसा लग रहा है सर ये मीठा पान? यूनिक है, अच्छा है। यूनिक है, कभी सोचा था कि ऐसा बर्गर के अंदर भी पान खाओगे? नहीं सोचा था। और ये दो सादे पान। तो भाई बच्चे ने भी अप्रूव कर दिया और एक भाई साहब ने भी अप्रूव कर दिया, तो आओ। आप खा के बताएं कैसा है? चटपा बात आए, बर्गर पान खाएं। वाह भाई वाह, क्या निकाला है, कर लेंगे पहले आप वीडियो बना लो आराम से। यूनिक है, बहुत अच्छा। कैसा फ्लेवर है? फ्लेवर होता है ना, मतलब आपने पान ऐसे खाया है, बर्गर में कभी खाया है? नहीं खाया। नहीं खाया ना? अभी खाया है। अभी खाया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। जो रेगुलर पान होता है ना वो 50 रुपए का है, और फ्लेवर वाले लेंगे तो वो 180, 200, 250। अभी जो बर्गर हमने बनवाया आपसे, कितने का बना के देंगे आप? 250 का। उसी साइज में? उसी साइज में बर्गर आपको वहीं से लेना है? हॉपनॉप से, क्योंकि वो बर्गर का टेस्ट उनका अच्छा है। अच्छा है भाई, 200 का इनका पान है, और अगर आप लोग बर्गर में बनवाएंगे तो 220 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, आप एग्री करते हैं? 220 रुपए में आप देंगे? देखिए ये 250 बोल रहे थे, मैंने फिर इनको बोला कम करें, मेरी आवाम के लिए कम करें, तो ये 220 रुपए में देंगे। और बर्गर जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, हमने होबनॉम से लिया है और बहुत ही बेहतरीन था, तो आओ यहाँ पर और ट्राई करो। नाम चेंज कर दो ना, शेफ जवेरिया बर्गर कर दो। हाँ, बर्गर है शेफ जवेरिया पान बर्गर, ठीक है, क्योंकि फिर इनको समझ नहीं आएगा ना, शेफ जवेरा पान बर्गर। जैसे हमेशा मेरी डील चलती है शेफ जवेरा वाली, वैसे ये शेफ जवेरा पान बर्गर, और आपको मिलेगा पान दान पे। पूरे बादराबाद में शेफ जवेरा पान बर्गर नहीं है, बर्गर पान भी नहीं है। हाँ, बर्गर पान ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, पहले ये लाहौर में इंट्रोड्यूस हुआ था, अब ये कराची में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है पान दान पर। आओ और ट्राई करो पान दान पे, लोकेशन है इसकी बहादराबाद शरफाबाद पर। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।